हेलो एवरीवन, आज मैं न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ एंड दिस इज़ माय करंट फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट. दिस इज़ न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल एंड इसे मैंने नायका से परचेज़ किया था. 48 आवर स्टे करता है, स्किन में हाइड्रेशन देता है. दिस इज़ वाटर जेल बेस्ड फॉर्मूला एंड ये है हेलुरोनिक एसिड के साथ आता है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ऑलिव एक्सट्रैक्ट. और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये है 849 रुपीज़ का, 849 रुपये एंड 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है और 3 इयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है. लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ इसकी, दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. इसकी पैकेजिंग, इसका जो जार है वो इतना लग्जूरियस लगता है, लगता है बहुत ही हाई एंड ब्रांड का प्रोडक्ट है. एंड इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं. ये एकदम नॉन ग्रीसी है और इसे आप एज अ मेकअप प्राइमर, एज अ मेकअप मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये सच है कि 849 रुपीज़ में ये बिल्कुल क्लिनिक के प्रोडक्ट्स के जैसा मॉइस्चराइजेशन स्किन में प्रोवाइड करता है. और इससे ना विंटर्स के लिए ये एकदम मैजिकल प्रोडक्ट है. विंटर्स में अगर आप कुछ अच्छा स्किन में लगाने का सोच रहे हैं देन गो फॉर इट. और इसके बारे में पहले मैं इंग्लिश में बता देती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो हिंदी में समझ नहीं पाते हैं. सो न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल. न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट हेल्प्स यू अचीव 5 डायमेंशंस ऑफ आइडियल हेल्दी स्किन लाइक हाइड्रेटेड, ल्यूमिनस, बाउंसी, फर्म एंड स्मूथ. आर इनोवेटिव मॉइस्चर सेंसर कॉम्प्लेक्स इफेक्टिवली रिप्लेनिशेज मॉइस्चर वेन यू नीड इट मोस्ट वाइल हेल्पिंग रिपेयर एंड रीबिल्ड स्किन बैरियर टू लॉक द मॉइस्चर इन. और यू नो समर्स विंटर्स सभी सीजन के लिए मैं इसे बोलूँगी कि ये बेस्ट है, बट विंटर्स में स्किन ज़्यादा ड्राई होती है और एक्सट्रीम ड्राई स्किन को सुपर हाइड्रेटेड कर देता है. और कहीं ना कहीं जिनकी एज 30 हो चुकी है उन्हें ये वाटर जेल इस्तेमाल करना चालू कर देना चाहिए बजाय किसी एंटी एजिंग क्रीम के, क्योंकि अगर आपकी स्किन में हाइड्रेशन नहीं है तो आपकी स्किन ब्रेक होगी, फाइन लाइंस बनेंगे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, सब प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइक ब्लैमिशेस, फाइन लाइंस और पैचीनेस, सारी चीज़ें हो जाएंगी. अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, भले ही आप फेयरनेस क्रीम नहीं लगा रहे हो, तब भी आपकी स्किन एज इट इज़ बरकरार रहती है और सुपर सॉफ्ट रहती है. एंड आगे मैं पढ़ती हूँ इसमें, प्योरीफाइड हेलुरोनिक एसिड कॉन्स्टेंटली पम्प्स एंड लॉक्स इन मॉइस्चर फ्रॉम विद इन. एंटी ऑक्सीडेंट ऑलिव एक्सट्रैक्ट हेल्प टू रिपेयर द reinforce the skin barrier to the less prone to damage from harsh environmental aggressions with a lightweight fresh texture that can be instantly absorbed. Water gel is proven to effectively lock in hydration deep within your skin and constantly quench your skin's thirst throughout the day. आप इसे डे में इस्तेमाल कीजिए, नाइट टाइम में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मेरा पर्सनली कहना है कि अगर आप इसे एज अ मेकअप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे मेकअप से 15 मिनट पहले इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपकी स्किन में अच्छे से बैठ जाए. उसके बाद आप चाहे तो प्राइमर लगाइए, चाहे तो मत लगाइए. उसके बाद आप फाउंडेशन या जो भी BBCC लगाना चाहते हैं या कोई प्राइमर मैट पाउडर फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो वो आप ट्राई कर सकते हैं. एंड इसके बारे में और मैं बता देती हूँ, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, नॉन कॉमे जो जेनिक है, ऑयल फ्री फॉर्मूला मिलता है इसका एंड 48 आवर्स स्टे करता है. और सबसे बेस्ट पार्ट मैं इसका बताती हूँ, 34 ब्यूटी अवार्ड मिले हैं इसे वर्ल्ड वाइड. जी हाँ, इसमें वो बात है जो मैं आपको क्या बताऊँ कि आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि हाँ ये कोई अच्छा स्किन फूड है और बहुत अफोर्डेबल. अगर आपको 849 रुपीज़ महंगा लग रहा है तो मैं आपको याद दिला दूँ
क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज जो आता है वो आता है 2,500 से 3,000 रुपए का, एंड वो बहुत एक्सपेंसिव है इसके मुकाबले, और लेकिन ये काम करता है बिल्कुल वैसा ही। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि हर कोई 2,500 का फेस मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकता, लेकिन आप ये 849 का मॉइस्चराइजर ऑफकोर्स लगा सकती हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि सुपर डुपर ऑसम है। बस ये है कि आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग सकती है, 50 ग्राम, लेकिन बहुत ही कम, बहुत कम प्रोडक्ट क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। तो चलिए दिखा देती हूँ इसकी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी पैकेजिंग। इस तरीके की पैकेजिंग है, और कुछ कुछ कांच और प्लास्टिक से मिला हुआ बना हुआ जार है ये, एंड इसका कवर बिल्कुल वैसा है, बस कलर चेंज है, जैसा कि प्लम का जो ग्रीन टी नाइट जेल है उसके जैसा इसका कवर है। और यू कैन सी द प्रोडक्ट एग्जैक्ट, इस तरीके का ब्लूइश प्रोडक्ट है, जी हाँ, इतना ही डार्क है, एंड लिटिल बिट लाइटर है, जो आपको वीडियो में हल्का सा डार्क लग रहा है क्योंकि ये ब्लू कलर है। बट बात करूँ इसको फेस पर या स्किन पर अप्लाई करने की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला, और इसको बहुत ही ईजीली आप स्किन में बहुत ईजीली मसाज कर सकते हैं। ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है, लेकिन बिल्कुल क्रीम की तरह ब्लेंड हो जाता है, और इतनी माइल्ड और इतनी जेंटल इसमें फ्रेग्रेंस है कि आपको बिल्कुल इरिटेशन नहीं होगी, एंड आपको लगेगा कि आपकी स्किन ने कुछ अच्छा लगाया है। और 4-5 दिन में ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। आप इसे डे क्रीम एज अ नाइट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में फेयरनेस क्रीम के बजाय आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए, उससे आपकी स्किन ज़्यादा बेटर और ज़्यादा ग्लो करेगी। एंड ये सच है कि इससे लिटिल बिट स्किन जो है वो फेयर टोन की तरफ जाती है, और आपकी स्किन ना, जब आप अगर मेकअप से पहले लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन ग्लो करती है। जी हाँ, मेरी स्किन ग्लो करती है जब इसे मैं मेकअप से पहले अप्लाई करती हूँ। और इसके कंपैरिजन वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगी, एंड ये आपको नायका पर इजीली मिल जाएगा एक्सक्लूसिवली, मैंने तो इसे वहीं से खरीदा है, और काश ये ऑफर में मिल जाए अगली बार मुझे, क्योंकि 849 में 50 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है। बट क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज शायद मैं रिप्लेस कर दूं, लेकिन अगर आप उन दोनों के कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और वैसे मैं कोशिश करूंगी बिना किसी के कहे ही कंपैरिजन वीडियो अपलोड करने की, ताकि आपको आसानी हो जाए अपने लिए एक अच्छी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम ढूंढने में। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा, एंड थैंक यू।